एक चीज और है लफड़ा के खाए नहीं है, ठीक है, खुला पड़ा था, उसको स्टार्ट कैसे करें, उसकी वही जुगाड़ है अपने पास। हेलो फ्रेंड, दिस इज लाड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में, आज का ब्लॉग और वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्प्लेंडर से, इसका इंजन हो रहा है। कल का काम तो आपने देखा था ब्लॉग में, कल तो कुछ काम हो नहीं पाया था बारिश की वजह से, तो आज के ब्लॉग में मैं इसे स्टार्ट करूँगा और चला के भी देखूँगा और काम करूँगा, तो वहाँ भी चलेंगे भाई, कल जो आप लोग कहते हैं वहाँ भी चलेंगे। और जी भाई, मुझे आप फॉलो करना, आप जाकर जल्दी से जल्दी स्टार्ट फॉलो तो स्टार्ट करते हैं। काम कुछ काम तो मैंने कर दिया, जिसके टाइमिंग मिला के मुझे उसके कैप सेट करने हैं, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। उसके बाद स्टार्ट आपको दिखाऊंगा कैसे चल रही है। खुला खुला टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, थोड़ा बहुत तो खुल गया ना, खुल गया, ठीक है। अब मैं इस वाले को जो है ये नट को लगाऊंगा नीचे वाले रॉकर में, टाइट करना था, टाइट करता हूँ उसको, मैं सेट कर लेता हूँ। तो भाई टैपेट तो मैंने इतना सेट किया, बस खाली साइड प्ले होनी चाहिए इनमें, अप एंड डाउन वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे वाली प्ले नहीं होनी चाहिए, खाली साइड प्ले, साइड प्लेन में है। अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ, जब जो बात ही स्टार्ट करने की, पहले ऑयल डाल लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। चलो भाई जल्दी लगा, जल्दी लगा, सभी साइलेंसर कस रहा है, वो साइलेंसर कसा जा रहा है, जल्दी लगा, जल्दी स्टार्ट करें। देखो भाई करो भाई, जल्दी करो। तो भाई इसमें मैं ऑयल डाल दूँ, ये क्या ऑयल, ऑयल डाल देता हूँ, ऊपर से डाल देना कुछ ऑयल में, अब पूरा ऊपर डाल दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पूरा तेल जो है ऊपर से ही डाल दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी डाल दो, इंजन में जाना चाहिए तेल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी डाल दो। तो भाई दुकान पे यामा आ गई थी, यामा में एक प्रॉब्लम आ गई थी क्लच वाली, जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्लच इसकी काम नहीं कर रही है, अभी तो काम कर रही है, देखो जब हम स्टार्ट करते हैं तब वो काम नहीं कर रही है, तो उसको मैं सही करूँगा जस्ट अभी। और भैया परेशान थे दोनों से, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, फ़ोन भी किया था, तो मैं करता हूँ उसको, पहले तो मैं उसका ऑयल निकाल देता हूँ। तो भाई मैंने खोल के तो देख लिया, अभी तो कुछ सब कुछ सही मालूम पड़ रहा है, पर उसको मैं खोल के देख लूँ, इसके बाद पता चलेगा क्या दिक्कत है, पहले मैं उसको खोल लूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ दिक्कत आ रही है क्लच में। वैसे तो ऑलमोस्ट सब सही दिखाई दे रहा था, फिर भी खोल के देख लेता हूँ, चेक हो जाएगा अच्छे से कि यही दिक्कत है, तो देखते हैं। तो भाई यहाँ तो सब चीज़ सही है, बोल्ट टाइट है, ये भी सही है, अब खाली मुझे मैगनेट साइड चेक करनी है इसकी, मैगनेट साइड से क्या दिक्कत आ रही है भाई, यहाँ तो सब सही है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी डाउट के लिए मैं खोलना पड़ता भाई, खोल दिया कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या करना है इसमें। तो भाई दिक्कत जो पता चली वो यहीं से पता चली, यहीं से दिक्कत है, सबको खोल के देखता हूँ गली फली। इसमें क्लच की रॉड टूट गई थी, ये वाली मैंने बहुत सी जुगाड़ करने की कोशिश करी, फिर मुझे एकदम याद आ गया कि मेरे पास रखी हुई क्लच की रॉड, तो उसको मैं डालूँ, तो बस वही कर रहा हूँ भाई, वो डाल दिए मैंने, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कैसे क्या चल रही है, तो भाई मैंने लगा तो सब कुछ दिया, मैं चेक कर रहा हूँ, देखो अब एक चीज़ और है लफड़ा के खे नहीं है, ठीक है, खुला पड़ा था, उसको स्टार्ट कैसे करें, उसकी वही जुगाड़ है अपने पास, इसे ऑन करूँगा, ठीक है, अभी ये गियर में है, तो मैंने इसको तीसरा डाल दिया, अब मैं इसे पहिए से स्टार्ट करूँगा, देखो कैसे करके देखना, कुछ ऐसे करके यार हाथ तो चल रहा है, ये लो भाई कर दिया। अब क्लच इसकी चेक कर लूँगा, काम कर रही नहीं कर रही, करते हैं एकदम परफेक्ट काम कर रही है भाई, इसको बंद कर देता हूँ, अब चला के देख के आऊँगा उसको, कह दूँ मैं। तो यामा एकदम परफेक्टली डन हो चुकी है, जो जो उसमें कमियाँ थी वो सारी कमियाँ मैंने उसमें दूर कर दी हैं, जैसे कि क्लच काम नहीं कर रही थी, और भी हैंडल ढीला था वो भी कर दिया मैंने, और चेन लूज थी वो भी मैंने टाइट कर दिया उसमें, तो ये सारी कमियाँ उसमें दूर हो चुकी हैं, चला के भी दिखाया मैं परफेक्ट एकदम। तो भाई भी यामा ले गए थे भैया, जिनकी भैया की बाइक है वो मिल गई थी रास्ते में, खूब बगा रहे यामा भाई, फीलिंग ही ऐसी होती है, भगाने पड़ती है भाई, क्या करें, तो बताएं सोचते मतलब यामा हाथ में एक्सीडेंट आता ना तो पता चलता कि हाँ भाई बाइक है, तो भगाने फीलिंग तो अपने आप आ जाती भाई, क्या करें। बारिश होने लगी तो बारिश में मैंने मन को चाहिए ना गाड़ी को अंदर कर दे, गाड़ी यामा अंदर कर दी, लोग गाड़ी भाई ठीक है भाई, गाड़ी अंदर हो गई है, बहुत सही बारिश हुई भाई, सबके सब लोग जो है इकट्ठे हुए थे, देख रहे हो पूरी मार्केट है पूरी,
और रखे हुए सबके साथ। तो भाई दुकान बनाने के टाइम पे जो है बारिश हो गई, बेहतरीन भाई लोगों मस्त रही बारिश हुई आई और बहुत तेज बारिश हुई लोगों। पिछले मेरे ख्याल संडे तक बारिश हुई थी प्रॉपरली, भाई आवाज आ रही थी नहीं आ रही हूँ मेरे पास, और जो बहुत तेज बारिश हुई भाई बहुत तेज भाई, इतने देखो पूरे मार्केट में बैठा हुआ मैं और यार अभी लगाए नहीं मैंने, और बारिश हो गई बहुत तेज बारिश हुई। मजे लो भाई और क्या चाहिए यार। तो भाई आज का ब्लॉग जो है हम यही एंड करते हैं भाई, डेली काफ़ी मेहनत हो जाती दुकान भाई, तो काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है, कुछ काम देखना पड़ता है, ऐसा भी दुकान पर एज ए मकैनिक एज ए अकाउंटेंट एज ए ओनर तो भाई मैं खुद हूँ, तो भाई सब चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, तो थकान थोड़ी ज़्यादा हो जाती है भाई। अब कल मिलते हैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलते भाई मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए बाय। तो